नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितीश चंद्रा और आप सभी से मैं समय समय पर वक्त वक्त पर हर मुद्दे को लेकर के रूबरू होता रहता हूं। और आज जिस मुद्दे के साथ हम आपके समक्ष जुड़ रहे हैं, यह मुद्दा काफी संवेदनशील है। वैसे तो मुद्दे कई हैं, लेकिन बात करें इस वक्त खास मुद्दे की तो मुद्दा है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा नहीं ली जाने की। और परीक्षा ली भी जा रही है तो रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, यानी यूं कहें कि सरकार सोई हुई है या कुंभकर्ण की निद्रा में डूबी हुई है, यह कहना निश्चित नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा परीक्षा का विज्ञापन 2019 में आया था और वो क्या था तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया था, यानी वो युवा साथियों के लिए एक लॉलीपॉप की तरह था, ठीक है। और उस लॉलीपॉप को आपके हाथ में पकड़ाकर आपसे वोट लिया गया, लेकिन आपके साथ जो सरकार के वादे थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया। पूरा करना तो छोड़िए, दूर दूर तक उस पर अमल भी नहीं किया गया और ना ही करना उचित समझा गया सरकार के द्वारा। यहां तक कि जब हम लोगों ने आंदोलन किया, डिजिटली प्रोटेस्ट किया कोरोना के समय में, तो एनटीपीसी के फर्स्ट फेज की परीक्षा के लिए, सीबीटी 1 की परीक्षा के लिए तिथि निर्धारित की गई। किस दिन? बेशर्मी की, बेहयपन की ओहदे को पार करते हुए सरकार ने किस दिन डेट दिया? तो जब हम लोगों ने पूरे अपनी ताकत को, सभी युवा बेरोजगारों ने जब अपनी पूरी ताकत को झोंक कर आंदोलन को ट्विटर पर कैंपेन कर किया, डिजिटली प्रोटेस्ट किया, तब जाकर के हमें डेट मिला। क्या हम आपसे खैरात मांगते हैं? क्या हम आपसे भीख मांगते हैं? जी नहीं। अगर आप इस सकते में हैं कि हम आपसे खैरात मांगते हैं तो यह गलत है और आप होश में नहीं हैं। इस युवा शक्ति को आप नहीं जानते हैं। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान, या यूं कहें कि यंगिस्तान पूरी दुनिया में सबसे युवा देश है। यहां की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। सरकार जब ये जाग गई ना तो आपकी नींद हराम हो जाएगी और आपकी नींद हराम होने वाली है, इस बात को आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि यो आप याद रखेंगे कि आपके यहां प्रधानमंत्री हमारे जो हैं गुजरात के हैं, इंडस्ट्रियल इलाका है, और गांधी भी गुजरात के थे। और इसी मौके पर मुझे गांधी की कई बातें याद आती है, और गांधी जी भी गुजरात के रहे होंगे, लेकिन उनको गांधी इसी बिहार ने बनाया था, और इस आंदोलन की शुरुआत भी इसी बिहार की सरजमी से हुई है। और इस बिहार की सरजमी से ही हमने सभी एनटीपीसी और ग्रुप डी के परीक्षार्थियों से आह्वान किया है कि आप कल के यानी 1 दिसंबर 2021 को अपनी डिजिटल कैंपेन को सफल बनाएंगे, और आपका जो हैशटैग होगा ट्विटर पर 11 बजे चलना है, जो है जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। स्पेलिंग आप ठीक से देख लेंगे, हर बार आपको उलूल झुलूल चीजें मिलती है, आप उसे भी ट्रेंड करवाने लग जाते हैं। और आप देखेंगे कि सरकार के कई नुमाइंदे इसके खिलाफ में भी रिट्वीट करते हैं, और कल कोई फिर कोई बनेगा हैशटैग जिसको कि सरकार क्या करेंगे, इसके खिलाफ ट्रेंड करवाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास फॉलोवर्स ज्यादा होते हैं, वो बड़े लोग हैं। लेकिन वो बड़े लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी जितनी जनसंख्या उनके पास नहीं है, और हम सब अपनी पूरी ताकत लगा देंगे इसलिए भी, क्योंकि मार्टिन लूथर साहब की एक लाइन हमें याद आती है, उन्होंने कहा था तुम दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो। और आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे तो ये हमारा हैशटैग है, जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट्स। स्पेलिंग आप ध्यान से देख लेंगे, इसको ट्विटर पर कल 11 बजे ट्रेंड कराएंगे और सरकार को होश में लाएंगे, यानी जाग जाओ, तुम्हारी खैर नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए आपके रैली में धूप में जाकर के आपको सुन सकते हैं, तो आपको उसी मंच से खींच करके सरकार की जो आप सरकारी गद्दी प्राप्त किए हुए हैं उस गद्दी से आपको उतार भी सकते हैं, जो आप बेखौफ बेहया हो गए हैं, आपकी इस बेखौफियत को हम दूर भी करना जानते हैं, और आपकी नींद कैसे हराम कर सकते हैं यह भी हम जानते हैं। इसलिए आप अपने अधिकार के लिए आप कोई अनुरोध नहीं करने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहे हैं, बार बार बोलते हैं, क्योंकि आप अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 43 कहता है कि हर व्यक्ति को काम का अधिकार चाहिए, वो भी उचित मानवीय दशा के साथ। तो क्या हम हिंदुस्तान के नहीं हैं? क्या हिंदुस्तान के संविधान की का वो पहला पन्ना जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक स्वतंत्र
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता उपलब्ध करवाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और बंधुता तथा अखंडता को सुनिश्चित करवाने के लिए संविधान सभा को जो 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया था, क्या वो हम पर लागू नहीं होता? क्या वो इस देश के युवा बेरोजगारों पर लागू नहीं होता है? तो जब तक इस संविधान के फर्स्ट पन्ने का एक एक शब्द एक एक वाक्य लागू नहीं कर देंगे सरकार किसी की भी हो, जब आप 70 साल के प्रधानमंत्री होकर खुद को युवा समझ सकते हैं तो हम क्या 26 साल के लड़के खुद को युवा नहीं समझेंगे? 22 साल के लड़के क्या खुद को युवा नहीं समझेंगे? जब आप थोड़ी सी हमारे द्वारा दी गई पावर से आप खुद को इतना सुप्रीम समझ सकते हैं तो हम तो आपसे ज्यादा जवान भी है, हमें आपसे ज्यादा ताकत भी है, हमारे अंदर आपसे ज्यादा क्षमता भी है। बस साहब दिक्कत एक बात की है कि आप प्रधानमंत्री बन गए और हम एक आम जनता है जिसको कि आम की तरह चूसा जाता है, लेकिन यह बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। आम की तरह आम जनता नहीं चुसाएगी, आम बेरोजगार युवा नहीं चुसाएंगे। आप जाग जाएं, अन्यथा परिणाम बहुत भयावह होगा। इस देश के युवा किसान बिल के, देश के किसानों से सीखिए कि कैसे किसान बिल की वापसी के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। और आप क्या होता है, एक घंटा ट्रेंड करवाते हैं, 10 मिनट ट्रेंड करवाते हैं, फिर थक जाते हैं। तो थकना नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो अपने अधिकार को पाने के लिए लगातार लगे रहिए और कल 11 बजे इस हैशटैग को ट्रेंड करवाना है, ट्रेंड करवाते रहना है तब तक जब तक कि सरकार कोई निर्णय नहीं दे देती है। और केवल कल ही नहीं, हर दिन हर रोज आपको सरकार के खिलाफ डिजिटली कैंपेन करना पड़ेगा। मीम्स बनाते हैं, टिकटॉक पर खूब डांस करते हैं, लेकिन कभी इस मुद्दे पर भी वीडियो बना लिया करिए। नहीं बना सकते हैं तो कम से कम जो लोग बोल रहे हैं उसके वीडियो को शेयर करिए। आप नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहे हैं उसको सपोर्ट करिए। बोल सकते हैं तो बोलिए, लिख सकते हैं तो लिखिए, और ना बोल सके ना लिख सके तो जो बोल रहे हैं जो लिख रहे हैं कम से कम उसका विरोध ना करिए, उसको समर्थन करिए और खूब अपना आशीर्वाद प्यार और दुलार दीजिए, क्योंकि हम आप ही के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। रुक्मिणी प्रकाशन की तरफ से हम सभी लोग आपके इस मुहिम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं और मुद्दा ऐसा है कि हम आपके कमेंट भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन खैर जो भी हो, क्लासेस की बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं तो क्लासेस जल्द ही शुरू होंगे। कुछ टेक्निकल खामियां थी, कुछ हमारे सिस्टम में तकनीकी खामियां हो गई थी जिसको कि दूर करने का प्रयास किया गया और बहुत हद तक हम लोग इसमें सफल हो चुके हैं, तो जल्द ही क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कल आप लोगों को इस हैशटैग को सफल बनाने के लिए ट्विटर पर 11 बजे ट्रेंड करवाना है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट मुद्दे में, तब तक के लिए पूरे रुक्मिणी प्रकाशन टीम की ओर से मैं नितीश चंद्रा आप सभी से विदा चाहूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।